नमस्कार दोस्तों, आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। आई एम सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो आवाज़ में अगर कोई दिक्कत आए तो आई एम सॉरी ऑलरेडी। दोस्तों, 100 किलोमीटर्स के आसपास मैं गाड़ी जो है वो चला चुका हूँ खुद, तो मुझे लगता है कि एक क्विक ऑब्जर्वेशंस जो है मैं इस गाड़ी के प्रति जो मैंने 2 दिन में फ़ील किया है मैं आपको बता दूँ। ये आप ड्राइव रिव्यू या जो ओवरऑल रिव्यू है उसकी मैं 50-60 मिनट्स की वीडियो एक डिटेल डालूंगा, बट ये जो क्विक कुछ जो मैंने ऑब्जर्वेशंस किए हैं उसकी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। एक तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, इसमें एक टिकट होल्डर लगा हुआ है, ये अगर दिख रहा है कैमरा में तो ये देखिए, तो इट्स क्वाइट नाइस टच। बाकी ये जो है थोड़े फ्लिमजी हैं, ये मुझे हुंडई की याद दिलाते हैं, और इसमें बाकी इसमें भी टिकट होल्डर जो है बड़ी एक सुविधा वाला चीज़ है। और ये देखिए एक स्क्रू जो है विजिबल है यहाँ पे, तो ये थोड़ी सी हमें याद दिलाता है बाकी ब्रांड्स की। जस्ट होल्ड अ सेक गाइस, वन सेकेंड। और आई कैन ओनली हेल्प विद सर्टेन थिंग्स इन हिंदी, कुड यू ट्राई दैट अगेन इन इंग्लिश? अरे नहीं चाहिए यार। और जैसे आपने देखा कि जब मैं डी मोड में इसको डालता हूं तो जो एक मुझे लगता है कि पिकअप होनी चाहिए ना, वो आम से थोड़ी ज़्यादा तेज़ है, जिसका एक बम्पर टू बम्पर आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। मतलब ये देखिए, मैं रिवर्स में डालता हूँ तो जो एक पिकअप होनी चाहिए ना, वो उससे ज़्यादा थोड़ी सी है। गाड़ी आम से ज़्यादा जैसे कोशिश करती है तेज़ चलने की, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि कैसे इसको फिक्स करना है या कैसे इसका कोई इलाज अगर है। मैनुअल मोड में भी वही पिकअप ही है, तो आपको थोड़ा सा ब्रेक पे अलर्ट होके पैर रखना पड़ेगा। और एक चीज़ जो है मैंने देखा है कि जब आप रिवर्स मोड में डालते हो गाड़ी को, ऑटोमेटिक को, तो आवाज़ जो है ना सॉन्ग्स की वो कम नहीं होती, तो वो एक्चुअल में होनी चाहिए क्योंकि टी रॉक में होती है। रिवर्स में जब आप डालते हो, जिसका मतलब ये है कि आपको फोकस के साथ गाड़ी रिवर्स करनी है, तो इसमें आवाज़ कम होनी चाहिए, वो इसमें नहीं होती। और वायरलेस जब आप इसको अटैच करते हो एप्पल कारप्ले को, तो इसमें 1 सेकंड की लैग है। मैं अगर गाना चेंज करूँगा इधर से अपने स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से, तो 1 सेकंड के बाद इधर चेंज होता है। इट्स नॉट लाइक के तुरंत ये गाना चेंज हो जाए। इसके अलावा आप देखिए, फुटवेल एरिया में लाइट्स नहीं है दोनों तरफ, और ग्लव बॉक्स में भी लाइट नहीं है, बट कूल्ड ग्लव बॉक्स है तो अच्छी बात है। लाइट होनी चाहिए थी, पोलो में भी आती है, पोलो और वेंटो से। दोस्तों मुझे याद आया, मैं एक चीज़ बोलूँगा, 1.0 इंजन चाहे 3 सिलेंडर है, हल्की सी इसकी जब आप गाड़ी सुबह ऑन करते हो तो क्लैटर ज़रूर है, बट उसके बाद इसके जो NVH लेवल्स हैं वो बहुत वेल कंट्रोल्ड हैं। आई एम सीरियसली अमेज्ड, क्योंकि अगर मैं बोलूँ 60-70 तक इसकी आवाज़ नहीं आती। मैं टीरॉक के इंजन को बहुत साइलेंट मानता हूँ, बट 1.0 जो मैंने वेंटो अच्छी खासी चलाई है अपने कज़न की, उसमें जो एक इंजन का नोट है साउंड का, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें वो नोट अंदर 60-70 तक नहीं आता, जब आप गाड़ी को पुश करते हो तब ज़रूर आता है, बट मैं ये दावा कर सकता हूँ कि इसमें इसका मतलब ये है कि किसी प्रकार से इसकी इंसुलेशन जो है वो बेटर की गई है। बाकी मुझे ये भी लगता है कि क्योंकि इसकी अगर मैंने इंजन लेआउट जो देखी है ना, वो बहुत बढ़िया तरीके से सारा आसपास जो है वायरिंग इंसुलेशन वो बहुत अच्छे से की गई है, जैसे इसी बे के लिए इंजन को बनाया गया हो, तो मे बी उसके कारण, या मॉडर्न इंजीनियरिंग है, देखिए ये प्लेटफॉर्म इनके लेटेस्ट हैं तो बहुत अच्छे से कंट्रोल किया गया है। मुझे म्यूज़िक के बिना जब मैंने 70 तक इसका जो इंजन का नोट है, इसकी आवाज़ अंदर नहीं आती। अगर आप पुश करते हो और जो वो नोट आता भी है म्यूज़िक का, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। म्यूज़िक नहीं, आई मीन इंजन साउंड। बाकी दोस्तों, सीट्स की अगर मैं बात करूं, तो जो सीट्स का ये वाला एरिया है, बैक एरिया, ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये बहुत, साइड से देखिए कितना वेल बॉल्स्टर्ड है, इससे भी ज़्यादा चौड़ा है जी, 8-9 इंच के आसपास। तो बैक सीट मुझे ये टी रॉक के ही बराबर कंफर्टेबल लगी, बट ये जो एरिया है थाई एरिया, आपको थोड़ा सा कम लगेगा। थाई सपोर्ट एज कम्पेयर टू टी रॉक मुझे थोड़ी सी कम लगी, बट ओवरऑल जो है कैबिन की मुझे टच एंड फील बहुत सुंदर लगी है। मैं बहुत खुश हूँ अभी तक गाड़ी से। और जो लेडीज़ हैं घर की, मेरी वाइफ, मेरी मदर और मेरे मदर इन लॉ, तीनों को ये गाड़ी अब तक की फेवरेट लगी है स्पेस के हिसाब से, बहुत खुली होने के कारण। और तीन जो जन हैं पीछे, बहुत आराम से बैठ जाते हैं इसमें, जिसके कारण वो सभी को ये गाड़ी जो है वो बहुत अच्छी लगी है। बाकी कैबिन लाइट्स जो हैं LED होने के कारण एक अच्छी एम्बियंस इसमें आती है। इसके अलावा दोस्तों, क्विक ऑब्जर्वेशंस मैं बोलूँगा कि मुझे ये सी टाइप वाला टच
बहुत अच्छा लगा है। जिसके पास कोई एप्पल का फ़ोन या एप्पल के डिवाइसेस हैं उनके लिए ये चीज़ आसान रहेगी थोड़ी सी चार्ज करने के लिए। बाकी दोस्तों जब मैं हाईवे पे था तो जब 70-80 पे आप क्रूज़ कर रहे हो तो इधर से टू स्पोक का ये फ़ायदा है कि मुझे इधर से जब मैं राइट हैंड से पकड़ता हूँ स्टीयरिंग को, स्टीयरिंग पहली बात तो हाईवे पे अपना थोड़ा सा हैवी हो जाता है विच इज़ गुड थिंग। शहर में बहुत लाइट है स्टीयरिंग, वेरी अनलाइक स्कोडा फॉक्सवैगन, बट हाईवे पे अपने आप को थोड़ा वेटन अप कर लेता है। इधर से पकड़ के बहुत अच्छा लगता है, बहुत कंफर्टेबली आप जा सकते हो सीधा सीधा, और क्रूज कंट्रोल इसमें मिल जाएगा। टी रॉक में मेरी नहीं है तो ये भी अच्छी एक एडिशन है, और ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत अच्छे फील होते हैं। और इसके अलावा रीच एंड रैक की आपको सुविधा मिल जाएगी, पैडल शिफ्टर आपको मिल जाएंगे। और मुझे एक प्रश्न भी आया था, मैं आपको लाइट ऑफ करके एम्बिएंट लाइटिंग दिखाता हूँ। ये ग्रैब हैंडल्स में एम्बिएंट लाइटिंग है थोड़ी थोड़ी, ये देखिए, और ये पट्टी जो है एम्बिएंट लाइटिंग की जा रही है। इसका मुझे क्वेश्चन आया था कि कलर चेंज कर सकते हैं, और कलर इसका चेंज नहीं होता बट इसकी लाइट आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ये देखिए ये ऑफ भी हो जाएगी, तो ये सुविधा आपके पास है। और वायरलेस बाकी आपको एप्पल कार प्ले जो है उसमें सुविधा है तो काफ़ी अच्छी ये ऑप्शन है। 12 वोल्ट का चार्जर, अगर आप अपना हवा वगैरह भरना चाहते हैं या वैक्यूम क्लीनर यूज़ करना चाहते हैं तो ये सुविधा अच्छी दी गई है। एसी का मुझे पूछा गया था कि ऑफ़ कैसे करना है, तो बस आपको ये बटन पे प्रेस करना है। मैं वैसे इसका कोई फ़ैन नहीं हूँ, ये बटन जो है ये एयर प्योरीफायर का है, अगर मैं दबाऊँगा इसको तो एयर प्योरीफायर की सुविधा दी गई है, और इसको अगर मैं जब दबाता हूँ तो ऑफ़ हो जाएगा और ये और स्लाइड करेंगे कम ज़्यादा इधर से ऑफ, और इधर से जो है आप क्लोज और ओपन कर सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो हवा अंदर अंदर रहेगी, ये इस पर साइन आ गया, और अगर आपने ये कर दिया तो एग्जॉस्ट जो है वो ऑन हो जाएगा। बाकी ये डिफॉगर्स हैं, ये वाला फ्रंट का है और ये वाला रियर का है। बाकी कैमरा क्लैरिटी जो है इसकी रिवर्स कैमरा की, जितना बोला गया था कि बुरी है कुशाक और टाइगोन की, मुझे तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं लगी, इट सर्व्स द पर्पस। और होंडा सिटी से मुझे बेहतर लगा इसका कैमरा, और डे टाइम में तो और अच्छा लगता है। अभी ये रेड रेड अप जो आप देख रहे हो तो टेल लाइट्स जग रही हैं मेरी, तो क्लैरिटी आपके सामने है, इट्स नॉट दैट बैड आई विल से। दोस्तों एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो इसकी क्लैरिटी है स्क्रीन की, जो मिडल वाली की, डायल्स तो बहुत अच्छे हैं बट ये जो मिडल वाली स्क्रीन है इसकी क्वालिटी थोड़ी सी बुरी है, मतलब थोड़ी सी पिक्सेलेटेड क्वालिटी है इसकी। ये देखिए पूरा आपको पता चल जाएगा कि नंबर्स, ये देखिए वो एक एलसीडी में भी एक रेजर शार्पनेस होनी चाहिए ना, वो नहीं है। और एक चीज़ मैं थोड़ा सा निराश हुआ हूँ कि ड्राइवर साइड में सिर्फ ड्राइवर विंडो जो है वो वन टच अप और डाउन है, बाकी आपको पूरा ये देखिए दबा के रखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ओमिशन की है फॉक्सवैगन स्कोडा ब्रांड ने इधर 2.0 में, ये कुछ चीज़ें इनके जो सिग्निया है ना ये इनको नहीं छेड़नी चाहिए थी, जैसे चाबी से हम कंट्रोल जो कर लेते थे विंडोज़ को, रोल अप रोल डाउन और एंटी पिंच वगैरह, हॉर्न, ये हॉर्न देखिए आप ये कैसा हॉर्न है, तो ये चीज़ें इनको नहीं छेड़नी चाहिए थी। कम से कम अगर मैं इनके टॉप मैनेजमेंट में होता तो मैं कुछ ये चीज़ों पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करता। तो दोस्तों यही था अभी तक का, हल्की फुल्की मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी। ड्राइविंग का भी मैंने आपको बता दिया, सीट्स का बताया, और हल्का फुल्का जो इक्विपमेंट है उसका बताया। तो बाकी दोस्तों मैं लंबा जो रिव्यू है आपसे साझा करूँगा, अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।